नमस्कार, एसएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज लगो हैं हम लोग हैं समता बुद्ध विहार के अंदर और हमारे साथ बुद्धिजीवी वक्ता हमारे साथ मौजूद हैं शांति स्वरूप बौद्ध जी। शांति स्वरूप जी, आपका हमारे चैनल में पहले तो स्वागत है जी। शांति स्वरूप जी, बुद्ध को इक्ष्वाकु का वंशज बताया जाता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसके संबंध में बहुत दिनों तक पापड़ बेलने के बाद जो तथ्य हाथ लगे वो ये है कि जो बुद्ध को राम से बाद का, भगवान राम से बाद का कहा जाता है कि भगवान राम और महात्मा बुद्ध इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे और सूर्यवंशी थे। ये प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस संबंध में हमारा कहना ये है कि भगवान बुद्ध का कोई ना कोई वंशज तो ज़रूर रहा होगा, राम का भी कोई ना कोई वंशज जरूर रहा होगा, मगर बुद्ध का जो वंशज जो भी रहा वो तो पाली भाषा का जमाना था ना, उसका नाम पाली में होना चाहिए। इक्ष्वाकु शब्द आप पाली में नहीं लिख सकते, उसकी स्पेलिंग में जो वर्णमाला इस्तेमाल हो रही है वो पाली में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्लियर है कि बहुत बात का नाम है। और एक और चालाकी की जाती है कि बुद्ध के एक वंशज, यद्यपि वो पूर्वज एकदम शुरू के नहीं हैं, उसके पहले और भी बहुत हैं, ओकाक हुए हैं, ओकाक उनके बेटे उल्का मुख हुए हैं, जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया ना, ये ओकाक है, ये उल्का मुख है, तो ओकाक को ब्रैकेट में इक्ष्वाकु लिखते हैं या इक्ष्वाकु को ब्रैकेट में ओकाक लिखते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी है। भगवान राम के वंशज इक्ष्वाकु अगर हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर बुद्ध के आदि पुरुष ओकाक उसका अनुवाद करके जो बताते हैं वो भी नहीं है बुद्ध के आदि पुरुष। बुद्ध के आदि पुरुष तो महासम्मत हैं, बुद्ध के आदि पुरुष महासम्मत हैं, और श्रीलंका के जो दो महान ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश, उसमें एक बुद्ध वंश सेपरेट से अध्याय है, वो बता रहे हैं कि दुनिया का पहला राजा महासम्मत था, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत बड़ी सम्मति से, बहुत बड़े बहुमत से जीता था, इसलिए उसका नाम महासम्मत कर दिया गया। और राजा था, राजा का मतलब जो रंजन करने वाला हो, रंजन का मतलब अपनी जनता की सुख सुविधा और सुरक्षा का जो प्रबंध करता है, रंजन करता है, वो राजा कहलाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार दुनिया का पहला राजा महासम्मत हुए, और इन्हीं के कुल में 35 पीढ़ी बाद में जा करके ओकाक पैदा होते हैं। जो ओकाक है इसी को इक्ष्वाकु बताया जा रहा है, जबकि इससे 35 पीढ़ी पहले राजा महासम्मत हो चुके हैं, वो बुद्ध के आदि पुरुष हैं, ओकाक या इक्ष्वाकु नहीं हैं। एक भ्रांति है बहुत जगह, जैसे महाराजा पसंदी, कौशलराज महाराजा पसंदी, उनको भी प्रसेनजीत कह दिया गया। प्रसेनजीत उनका नाम नहीं है, उनका नाम पसंदी है, मगर क्योंकि भगवान राम की वंशावली में दो जगह प्रसेनजीत उनके वंश में आते हैं और मिलते जुलते हैं, इसलिए उनका नाम ये कर दिया, प्रसेनजीत कर दिया। प्रसेनदी प्रसेनजीत मिलते जुलते नाम है, मगर ये चालाकियाँ चलनी नहीं चाहिए। एक और बात है, आपने देखा होगा कि महाराजा पसंदी के बेटे का नाम विरुद्धक लिखते हैं, जबकि वो पाली भाषा में उनका नाम विडूढ़ है, सब जानते हैं, मगर ये लोग उसको विरुद्धक ही लिखेंगे। कारण यह है कि भगवान राम की वंशावली में जो प्रसेनजीत आया है, जो सेकंड प्रसेनजीत है, वहाँ भी दो हैं, तो सेकंड प्रसेनजीत के बेटे का नाम विरुद्धक है, तो इन्होंने विडूढ़ का नाम भी विरुद्धक कर दिया। तो ये चालाकियाँ पहले चलती थी, अब चलने वाली नहीं है। हमारे जनता को, खासतौर से बौद्ध धर्मावलंबियों को ध्यान से अध्ययन करना है। अब ये गलती बड़े बड़े स्तर पर हुई है, हालांकि बाबा साहब ने अपनी जो उनकी किताब है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशंट इंडिया, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, उसमें इक्ष्वाकु शब्द आया है, मगर वो इक्ष्वाकु शब्द राम के ही वंशज के रूप में आया है। बहरहाल ओकाक को इक्ष्वाकु बताने का काम हमारे बहुत बड़े बड़े सम्मानित विद्वानों ने भी किया, उसमें राहुल सांकृत्यान जी भी शामिल हैं, कल्याण मित्र गोयनका जी भी शामिल हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा चालाकी भरा प्रयास है कि हर एक की समझ में एकदम आता नहीं। हम कहते हैं ये हरी घास का हरा सांप,
एक तो घास हरी, ऊपर से सांप हरा, उसे कौन पहचानेगा? उसे विवेक से ही पहचाना जाएगा, उसकी गतिविधियों से ही पहचाना जाएगा। तो अब जो ये वर्तमान समय चल रहा है, ये बहुत क्रांतिकारी समय है। अपनी सूचनाओं को, अपनी जानकारियों को, अपने इतिहास के बारे में सही परिप्रेक्ष्य में समझने का युग चल रहा है। अब जनता के बीच में वो गलत प्रचार, वो अफवाहें नहीं चल सकती जो हमारी विरासत को ठिकाने लगाने के लिए बनाए गए थे। आज जब आप देखेंगे बुद्ध की वंशावली, ओकाक से नहीं है, महासम्मत से है। उसके 37 पीढ़ी बाद ओकाक होते हैं। ओकाक को ये इक्ष्वाकु कहते हैं, मगर इनके बेटे का नाम ओकामुख है, उसको ओकामुख को इन्होंने संस्कृत में बना दिया उल्कामुख। तुम्हारा यहाँ ओकामुख का उल्कामुख हो गया और इस ओकाक का इक्ष्वाकु हो गया, तो गड़बड़ है ना। ये तो इसका नाम भी तो उल्काक होना चाहिए, मगर ये गड़बड़ी है इतिहास पर कब्जा करने की, दूसरे की विरासत पर हाथ साफ करने की, हड़पने की, वो अब नहीं चलना। इसके बाद में फिर बहुत सारी पीढ़ियों बाद में ये सिंहेश्वर आते हैं और ये जयसेन, जो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की वंशावली दी, वो जयसेन से आरंभ किए। ये जयसेन है, इनके दो पुत्र हैं सिंहनु और इनकी पत्नी यशोधरा है, यशोधरा वो दूसरी है और बुद्ध की जो पत्नी यशोधरा है वो अलग है। अभी शुद्धोधन सिंहनु के ये पांच पुत्र हैं, शुद्धोधन, दोतोधन, शुल्कोधन, शुक्लोधन, अमितोधन। दो बेटी हैं अमिता और पमिता। ये पमिता और अमिता, ये इनका विवाह कोलीय वंश में हुआ था और ये जो महा प्रजापति थी और महामाया थी और यशोधरा थी, ये भी कोलीय थी। कोलियों में और शाक्यों में आपस में बहुत शताब्दियों तक शादी विवाह होते रहे। कारण ये है कि ये जो कोली जाति जिसको हम कहते हैं ना, इनके पांच ओकाक के पांच संतानें थी, चार बेटे और एक बेटी। इन्होंने एक कम उम्र की महिला से जब शादी कर ली महाराजा ओकाक ने, और उससे एक पुत्र भी पैदा हुआ। पुत्र पैदा होते समय उसने वर मांगा राजा ओकाक से, जैसे कि इतिहास में जगह जगह आता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो रानी ने ओकाक राजा से कहा कि वो मेरा वायदा पूरा करो, मेरा वर पूरा करो। वर क्या था कि यहाँ का शासन मेरे बेटे को दे दो। ओकाक के सामने बड़ी दिक्कत आई, मगर फिर भी समझदारी से उसने काम लिया। अपने चारों बेटों को और पुत्रियों को बुलाया और कहा कि देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवित रहते आपके आपस में कलेश हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप चारों भाई और पांचवी बहन जंगल में कहीं चले जाओ, अपना कैसे भी काम करो, और जब मैं मर जाऊँ तो तुम अपना राज्य युद्ध करके इनसे वापस ले लेना। आप समर्थ हैं। समर्थ को शाक्य कहा गया बाद में संस्कृत वालों ने, तो ये शाक्य शब्द का मतलब है समर्थ, कि आप समर्थ हैं, आप ये राज्य वापस ले सकते हैं, आप फिलहाल चले जाइए। वो चारों भाइयों ने कहा, उनकी बहन, उसका नाम पिया था जिसको संस्कृत में प्रिया कर दिया गया, उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, आपका आदेश शिरोधारी है, हमारे सर माथे पर है, मगर हम इनसे बाद में भी युद्ध नहीं करेंगे। हम जाते हैं और अपना देखते हैं कैसे दिन गुजरते हैं। वो जंगल में गए। जंगल में जा कर के, जैसे कि मैंने बताया, चार भाई थे और पांच बहनें थी। पांचवी बहन ये पिया थी, तो उन्होंने वहाँ, जैसे आम प्रथा थी उन दिनों, भाई बहनों की शादियाँ होती थी, उन चार भाइयों ने अपनी चार बहनों से विवाह किया। और पांचवी जो बहन थी सबसे बड़ी पिया, पिया का विवाह नहीं हुआ, उन्होंने उसको मां स्वीकार कर लिया, मगर वो कोढ़ के रोग से पीड़ित थी। उन्होंने उसके लिए एक अलग पर्णकुटी, जिसको हम झोंपड़ी कहते हैं, जंगल में एक झोंपड़ी बना दी। वो अलग रहने लगी। वहाँ रहते हुए उसने कुछ कंदमूल खाए, कुछ फल खाए, कुछ पत्ते खाए, और जो हाथ लगा खाने का सामान वो खाया। थोड़े दिन के बाद उसका जो कोढ़ का रोग था वो दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया, वो भली चंगी हो गई और अपने भाइयों के पास आ करके रहने लगी। इसी दौरान क्या हुआ, एक राजा और था, उसका नाम था राम पंडित, बनारस का राजा था, उसे भी कोढ़ हो गया था। तो उसने भी अपने बेटे को बुलाया
कहने लगा मैं अब चलता हूँ, नहीं तो ये मेरा रोग तुमको लग गया तो वंश का दोष हो जाएगा, मैं भी चलता हूँ। और वो अपना राज्य अपने बेटे को देकर वो भी इत्तफाक से उसी जंगल में आ गया कपिलवस्तु में, जहाँ पर वो शाक्य कुमार और कुमारी रह रहे थे। वहाँ उसने देखा कि इसको कोढ़ से रोगी है, तो पता चला कि हमारी बहन भी पहले कोढ़ी थी और ये बाद में भली चंगी हुई। उसने पूछा कैसे भली चंगी हुई, कहने लगा ये फला जगह पर्ण कुटी में जाकर रही थी, वहीं कंदमूल खाए थे, पेड़ों की जड़ खाई थी, पेड़ों के फल खाए थे, पत्ते खाए थे, वहीं भली चंगी हो गई। तो कहने लगा चलो मैं भी वहीं रहता हूँ। वो गया और उसी पर्ण कुटी को ठीक करके उसी में रहने लगा। और थोड़े दिन के बाद एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि वो भी भला चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया, उसे भी सेहत नसीब हो गई। और वो वहाँ से चल के फिर वो वहाँ पर शाक्य कुमारों के पास और कुमारियों के पास आता है, कहता है मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, यदि मैं आपके पास ना आता और आपसे अपने रोग का निदान ना पाता तो मैं स्वस्थ ना हो पाता, इसलिए कृतज्ञतावश मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी जो बहन है आप इसे मुझे दे दें, मैं इससे विवाह करके इसे अपनी जीवन संगिनी बना करके रहूँगा। शाक्य कुमारों ने, शाक्य कुमारियों ने वो प्रस्ताव स्वीकार किया और पिया की और उस राजा राम पंडित की शादी हो गई। और उनसे जो संतान पैदा हुई, ये बात इसलिए बतानी ज़रूरी है कि वो ही कोलीय कहलाए। अब कोली, कोली शब्द की बहुत सारी व्याख्या होती है कि वो कोलीय जंगल में रहते थे, पेड़ का नाम कोली था इसलिए वो कोलीय हो गए। बहुत सारे कहते हैं कि वो जो शब्द था कोड़ी, कोड़ी का सरल शब्द कोली हो गया तो वो कोलीय शब्द उसी से बन गया। तो ये कोलीय और शाक्य ये एक ही कुल की दो धाराएं हैं, बहुत समय तक इनकी आपस में शादियां होती रहीं। यही कारण है कि महाप्रजापति गौतमी और महामाया कोलीय थी और हमारे सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा वो भी कोलीय थी। तो ये सारा वंश परंपरा का जो सब कुछ हमने आपको बताया उसका कारण ये है कि षड्यंत्रों को पहचानना है, षड्यंत्रों को जानना है और उन षड्यंत्रों से अपना पल्ला झाड़ना है। और हमारे अपने ग्रंथों में बहुत ज्ञान है, हमारे ग्रंथों में बिल्कुल सच्चा ज्ञान है, हमें अपने ज्ञान पर, अपने उधार के ज्ञान पर नहीं, अपने ज्ञान पर अपने आंदोलन को चलाना है। आज का बस इतना सा ही संदेश है। मुझे उम्मीद है कि आप दीपवंश और महावंश नामक जो श्रीलंका की ग्रंथ हैं, दोनों ग्रंथ सम्यक प्रकाशन पर मौजूद हैं, उनका आप अध्ययन करेंगे तो उनको पढ़ने के बाद जो भी कुछ आपको ज्ञान होगा वो प्रमाणिक होगा और उनके अध्ययन से आपको समाज में व्याप्त बहुत सारी अफवाहों का भंडाफोड़ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अशोक, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।